हेलो दोस्तों, राम राम, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सब लोग? और ये है इवनिंग यानी कि शाम का टाइम का, और दिन है सोमवार। तो सोमवार से मैं शाम के टाइम से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई इवनिंग का मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, तो आज मैं डाल रही हूँ। और आई होप आप सभी को पसंद आने वाला है। तो झाड़ू लगा दिया है सभी जगह, और इसके बाद यहाँ पे मैं धुलाई कर देती हूँ। ये छोटा सा मेरा आंगन है, तो यहाँ पे धुलाई कर देती हूँ। तो ये है कि यहाँ पे मिट्टी धूल जो होती है ना, वो साफ़ हो जाती है और बकाया सब साफ़ रहता है। तो ये लाल वाली बोरी आप देख रहे हैं, तो ये इसमें है खाद, यानी कि गोबर वाली खाद होती है, और मिट्टी गमले में डालने के लिए ये मंगा ली थी, क्योंकि जहाँ पे गोबर की खाद थी ना, तो वहाँ पे खुदाई हो रही है, तो फिर मिलती नहीं। और तो यहाँ पे हम साफ़ कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे किचन में आ गए हैं, तो किचन को भी हम साफ़ कर लेते हैं। और किचन साफ़ रहता है तो मन भी खुश हो रहता है ना। तो जितने मैंने बर्तन जो धुले थे वो लगा देते हैं, और बाकी के बर्तन हैं जो चाय के बर्तन हैं वो धुलने के पड़े हैं, तो वो भी धुल लेंगे। और किचन है, थोड़ा बहुत बिखर जाता है, कितना भी एक चाय भी बनाओ तो कहते हैं ना कि चाय भी बनाओ तो किचन थोड़ा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे हम किचन को भी हम साफ़ कर लेंगे। पहले हम बर्तन को धुल लेते हैं, फिर इसके बाद किचन को। तो यहाँ पे बर्तन धुल लिए हैं और किचन को हम साफ़ कर लेते हैं। तो किचन हमारा क्लीन रहता है तो जाहिर है कि दिमाग भी टेंशन है वो भी हटी रहती है। और यहाँ पे हम चूल्हा और सब वास जो है टाइल्स वगैरह साफ़ कर देते हैं कपड़े से। और टाइल्स साफ़ होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, किचन ना चमकता है। तो ये हम साफ़ कर लेते हैं, और काउंटर को भी साफ़ कर लेते हैं। तो आशा करती हूँ जो भी नया आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे हम सब्जी को धो रहे हैं, अर्जुन बेटा लाया था, और वैसे तो करण लाता है, करण इस समय है नहीं, शाहजहानपुर में पढ़ाई कर रहा है मामी के साथ, मामी के पास है। तो यहाँ पे हम बैंगन और भिंडी आलू लाया था मेरा अर्जुन, तो थोड़ा बहुत सब्जी ले आता भी है तो छोटा ही रहे, और तो मंगाना पड़ता है ना, तो ये थोड़ी चीज़ के लिए मार्केट जाओ, और जितना मार्केट जाओ उतना काम कर लो। तो यहाँ पे हम बैंगन और भिंडी को धो के रख देते हैं, और बाद को आगे का जो काम है वो दिखाती हूँ। फिर इसके बाद में आलू रख देते हैं, जो भी चीज़ है जहाँ अपनी जगह रख दो तो अच्छा रहता है, और फिर नहीं तो इधर उधर फैला होता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। और इधर हम आलू लगा के और फिर हम कि जाएंगे बाथरूम, क्योंकि बाथरूम में भी बहुत सारा काम होता है, यानी कि कपड़े क्योंकि दोपहर के कपड़े जितना भी है ढूंढ ढूंढ के कपड़े निकालो, उतने इकट्ठा हो ही जा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़े कपड़े हैं, जब इकट्ठा किया तो लगा कि यहाँ एक बाल्टी कपड़ा निकलाया है। तो फिर मशीन लगाने क्या है, मशीन फिर मन नहीं हुआ, ऐसे ही हाथों से भी धो देते हैं। और यहाँ पर और नहा के फिर मुझे दिया बाती भी करनी होती हैं, तो कपड़े हम लगा देते हैं, क्योंकि जब कपड़े धुल जाते हैं ना तो जो सुबह का टेंशन है वो हट जाता है। तो ये है टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे कपड़े धोने गए हैं, तो ये बड़ा में टेंशन मेरा ख़त्म हो जाएगा सुबह का। और जो अपने आप नहाओगे वही कपड़ा है वही धुलने हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं दिया बाती करने आ गई हूँ, और कहते हैं सुबह हो या शाम को दिया बाती ज़रूर करना चाहिए, अच्छा लगता है और घर को भी शुद्धता रखता है। तो मेरा रूटीन है कि मैं सुबह और शाम को ज़रूर दिया बाती करती हूँ, और तुलसी माता के वहाँ पर भी दिया जलाती हूँ, तो वहाँ पे मैं दीपक पहले ही जला आई थी इससे पहले, और यहाँ पे फिर दिया बाती करी आके। तो और भागम भाग रहता है ना हम लोग की लेडीजों का, तो ज़िंदगी ऐसे ही होता है भागम भाग। हाँ ये है सुबह की जो टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा भागम भाग होता है, और जल्दी रहता है, सभी को जल्दी रहता है ना इस वजह से, और शाम को है तो अपने धीरे धीरे काम भी निपटा लोगे, इतनी जल्दी नहीं रहती है। और यहाँ पे हम बैंगन को भुनने के लिए रख देते हैं, तो आज मैं बैंगन का भरता बनाऊँगी। तो यहाँ पर लहसुन रख देते हैं भुनने के लिए, टमाटर है तो स्पेस नहीं था,
तो इस पे इस टमाटर को थोड़ी देर बाद भून लेंगे। तो सबसे पहले हम बैंगन को हम भून लेते हैं और लहसुन को भी भून लेते हैं। तो ये है हमारा शाम का डिनर। तो और फिर इसके बाद बेसन की रोटी है वो भी बनाऊंगी। और बच्चों का मन भी था कि बेसन की रोटी खाने के लिए, और मेरे बड़े बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बेसन की रोटी। और इधर हम छौंका लगा देते हैं भरते को। तो यहाँ पे जीरा, हींग और मिर्चा और प्याज डाल दिया है, और हल्का सा बस हल्दी, धनिया, मिर्चा वो लगा के सब्ज़ी छौंक दी थी। तो इधर सब्ज़ी बन गई थी, इधर रोटी हम सेक देते हैं और बेसन की रोटी, और इसे भी खिला देते हैं। इसे ना बेसन की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसे तोड़ के दे देते हैं। तब तक ये ठंडी हो जाएगी, खा भी लेगा। और ये है मेरा डिनर रात का। तो आई होप आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में।